मोतिहारी के आदापुर प्रखंड में एक बार फिर से पहाड़ी नदियां उफान पर है, जिससे बाढ़ का खतरा निचले इलाकों में मंडराने लगा है और कुछ इलाकों में पानी प्रवेश भी कर चुका है, जिससे इलाके के लोगों में काफी तनाव देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि हर साल पहाड़ी नदियां आदापुर प्रखंड में तांडव मचाती हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों की अनदेखी तथा प्रशासनिक पदाधिकारियों की उदासीनता के कारण लोगों को प्रति वर्ष बाढ़ से लाखों का नुकसान भी उठाना पड़ता है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि बाढ़ आने के बाद न ही कोई उचित मुआवजे की व्यवस्था की जाती है और न ही जिनका नुकसान हुआ है उसको कोई देखने वाला होता है, जिससे गरीबों तथा दबे कुचले लोगों को और ज़्यादा नुकसान होता है। आदापुर प्रखंड के श्यामपुर मूर्तियाँ अनेक पंचायतों में बाढ़ का कहर देखने को मिला। आज तक पहाड़ी नदियाँ जिनके कारण आदापुर प्रखंड में बाढ़ आती है, एक तो कोरोना काल के कारण लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है और दूसरी तरफ बाढ़ का डर भी अब लोगों को बहुत सताने लगा है, क्योंकि इलाके में जितने भी पहाड़ी नदियां हैं वो उन सभी का जल स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में आदापुर प्रखंड की स्थिति बहुत ही भयानक हो सकती है, जो कि समय आने पर टूट भी जाता है। यही कारण है कि 2017 में आए हुए भीषण विनाशकारी बाढ़ बहुत बड़े स्तर पर आदापुर प्रखंड के लोगों को नुकसान पहुंचाया, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी, लेकिन प्रखंड के जनप्रतिनिधियों तथा प्रशासनिक पदाधिकारियों को इससे कोई सीख नहीं मिलती, जिसका परिणाम है कि प्रत्येक साल बाढ़ से इलाकों का नुकसान होना तय माना जाता है। उस पर मजबूत बांध नहीं बनाया गया, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए मिट्टी का बांध दिया जाता है। ये जो बाढ़ आता है ये हर साल ऐसे ही आता है? आप लोग का सही आता है सर, हम लोग का इतना ना दशा हो जाता है, थोड़ा सा भी पानी आता है तो लड़का फैका का हम लोग का रहने का दशा हो जाता है। हम लोग स्टेशन पर रहते हैं, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, ये जो घर है ये आप लोग का है? हाँ, हम ही लोग का है सर। दहाड़ आता है तो अभी तो पानी आ गया है, तो फिर आप लोग कहाँ लेके जाइएगा अपना बाल बच्चा? स्टेशन पे रहेंगे सर, प्लास्टिक व्लास्टिक टांग कर क्या करेंगे सर। हम लोग का ये यहाँ पे इस रास्ता में इतना ना दशा हो जा रहा है बाहर दहाड़ के चलते, हम लोग का लड़का तो लड़का हम लोग का खाने के लिए भी बहुत। अच्छा, बाढ़ आता है तो सरकार के तरफ से कुछ कोई नहीं मिलता है? नहीं मिलता है सर, आज तक नहीं मिला है। आज तक भी नहीं मिला है, ना तिरपाल देता है, ना राशन देता है, ना कोई चीज भी नहीं देता है हम लोग का। अच्छा, ये कौन सा प्रखंड है? ये श्यामपुर है, प्रखंड आदापुर है। आदापुर है। और गांव कौन सा? श्यामपुर, श्यामपुर पंचायत। अच्छा, ये जो लगभग ये जो बाढ़ आता है जैसे हर साल आता होगा? हर साल आता है। तो कितना दिन तक रहता है ऐसे? ये 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन, ज्यादा पानी आ जाता है तो 2 महीना 1.5 महीना हम लोग का दशा हो जाता है। स्टेशन पर रहते हैं सब, थोड़ा सा पानी आता है तो 15 दिन 10 दिन हम आप लोग का रहने का यही जगह है ना? यही पे है सर, इसके अलावा और कोई जगह कोई भी नहीं है।